हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बनाए क्लासेज में। मैं हूँ मृगांक चौधरी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे बैंकिंग के जो पेपर चल रहे हैं क्लर्क के, उनके बारे में बात करेंगे, जो क्लर्क के जो एग्जाम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, तीन ही टॉपिक आते हैं। आपका जीके तो आता ही नहीं, बहुत ही इजी पड़ता है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। मैथ्स रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता है। तो दोस्तों, इंग्लिश तो आप पढ़ना ही है, कि कितना ही पढ़ लो कम ही पड़ती है। मैथ्स और रीजनिंग दोस्तों, ये दोनों ऐसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट होते हैं कि इन्हें आप पढ़ोगे तो आप कुछ ना कुछ करके आओगे। अगर आप मैथ्स का कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, तो आप कुछ तो करोगे। रीजनिंग में आपने पढ़ा है तो आप करोगे। आती बात इंग्लिश की, दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ लो तभी भी आप कभी कभी कंफ्यूज रह जाते हैं, या कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा होता है जो दूर नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स के लिए जो भी मैंने आपके लिए वीडियोज डाली हैं आपके लिए दोस्तों, एवरेज से रिलेटेड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, स्पीड टाइम वाली, वोट एंड स्ट्रीम, एज प्रॉब्लम, और डाइस वगैरह डाला है मैंने रीजनिंग में, डाइस जो भी होते हैं। एलिगेशंस मैं जल्द ही डालूंगा आपके लिए दोस्तों, एलिगेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, एलिगेशंस के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, स्लॉक्स 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 कैसे सॉल्व करते हैं, स्लॉक्स के बारे में भी आपके लिए बहुत जल्द डालूंगा। वैसे तो मैं एलिगेशन के ऊपर दे चुका हूँ, एवरेज में कराया था आपके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में कराया था, डिस्काउंट में कराया था दोस्तों, वहां भी दे चुका हूँ। बस मैं प्रॉपर तरीके से एक वीडियो आपके लिए जरूर दूंगा। और बात करते हैं स्लॉक्स। स्लॉक्स दोस्तों आप करते होंगे बेनारिक से, तो बेनारिक से कभी कभी ऐसा होता है कंफ्यूज हो जाते हैं हम कैसे करें, कभी कभी ये हो जाता है कि इसके अंदर ही बनता है, कभी कभी हम किस तरह इसके बनाए हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा बेनारिक कब बनाना है, क्योंकि कभी कभी एक एक डबल डबल बेनारिक बनते हैं, जो डबल बेनारिक बनते हैं तो हम कन्फ्यूज होते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो काफी बार बनाने के बाद हमें काटपीट करनी पड़ती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बिगर बेनारिक के हम कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस को कर पाते हैं जो हमारे पास स्लॉक्स में आएंगे। क्लियर दोस्तों, अब बात आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स गिने चुने होते हैं जो ज्यादातर आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी आता है, इसमें परसेंटेज को भी इंक्लूड कर लेता है ये। प्रॉफिट तीनों टॉपिक होते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस वाला, डिस्काउंट वाला, और होता है प्लस परसेंटेज वाला। ये सभी एक ही टॉपिक बना देते हैं, क्यों, क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं आजकल। ठीक है दोस्तों, अब होता है एवरेज। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके दो मिनिमम दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस जरूर मिलते हैं क्वेश्चंस। कुछ टॉपिकों को हमें करना चाहिए और उन टॉपिकों को करने से हमें बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। अब रीजन अगर हम बात करते हैं डीआई की, तो डीआई में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पाई ग्राफ या पाई चार्ट बोलते हैं, कभी बार ग्राफ आता है, कभी कभी लाइन ग्राफ आता है बोलने के लिए। तो वैसे मेंस वगैरह हम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन यहाँ भी ये आते हैं, एसएससी वगैरह में बहुत मिलते हैं देखने के लिए। तो मैं आप बैंक की बात कर रहा हूँ, तो बैंक के बारे में बोलूंगा। तो दोस्तों जितना हो सके आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए जैसे स्लॉक्स। अगर स्लॉक्स करोगे आप तो उससे क्या होता है आपके लिए, स्लॉक्स करोगे स्लॉक्स करोगे तो दोस्तों इसमें क्या होता है आपके लिए, पांच क्वेश्चन या चार क्वेश्चन आपके एक से रिलेटेड होते हैं। और आती है इनइक्वालिटी की बात, इनइक्वालिटी आप करोगे तो इनइक्वालिटी के आप चार क्वेश्चन होते हैं, तो दोस्तों आठ क्वेश्चन तो यही कवर हो जाते हैं रीजनिंग में। अब बात करते हैं थोड़े अल्फाबेट्स के ऊपर, आता है ए बी सी डी, इनके ऊपर आते हैं, इनके क्वेश्चन भी करीब दो को तो मिलते ही मिनिमम दोस्तों, ये होता है आपके 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप यहाँ कवर कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है स्लॉक्स के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आती बात ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 10 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आपसे अब नंबर सीरीज। जो नंबर सीरीज होती है, नंबर सीरीज के भी दोस्तों कम से कम 4 क्वेश्चन मिलते हैं आपके लिए, तो दोस्तों कितने होते हैं, 14 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आती है हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपके लिए आपको बताना होता है कि क्या नंबर आएगा। ट्राइंगल्स दे रखे होते हैं यहाँ, 3, 6,
9 ऐसे दे रखे होते हैं और आपको फाइंड करना होता है। ये भी एक तरह से नंबर सीरीज में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चेंज होते ही रहते हैं, मतलब कभी ये आता है कभी वो नहीं आता, कभी ये नहीं आया कभी वो नहीं आया, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, लेकिन ये हमेशा नियत होते हैं, निश्चित होते हैं, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। इनक्वालिटी बहुत ईजी होता है, बहुत ही समझने में आसानी होती है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो भी डालूंगा, स्लॉक्स की डालूंगा। तो दोस्तों डीआई के, हाँ सॉरी, अब बात करते हैं रीजनिंग, अगर बात करते हैं मैथ्स वगैरह, मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में क्या होता है दोस्तों, आती है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन से अगर आपने अगर छेड़ा ये, तो 5 क्वेश्चंस क्लियर आते हैं, क्लियरली होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये इनक्वालिटी वो थी जो हम पढ़ते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू c है, तो a इक्वल टू c हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह की है। तो ये यहाँ आती है कि इनक्वालिटी, यहाँ 2 इक्वेशंस दे रखी होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें फाइंड करना होता है। उसमें भी इनक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें भी कम से कम कितने क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। डीआई के 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 9 क्वेश्चन आपके यहीं कवर हो गए। 2 क्वेश्चन एवरेज से होते हैं, एवरेज से होते हैं 2 क्वेश्चन। और दोस्तों स्पीड, एजेस प्रॉब्लम, एजेस प्रॉब्लम से मिलता है आपके लिए 1 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अब बात आती है आपकी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं तो इसमें से कभी क्वेश्चन आती भी हैं और कभी कभी नहीं भी आते। और आपके लिए मैं आपके लिए वीडियो दे चुका हूँ, दो इन सभी टॉपिक्स का आपके लिए वीडियोस डाल चुका हूँ। इनक्वालिटी पर नहीं डाला, डीआई नहीं डाला, डीआई के लिए मैंने थोड़ा आपके लिए क्वेश्चन पेपर डाला था जो आरबीआई का था, वो आप देख सकते थे, उसमें आपके लिए बहुत ही ईजी तरीके से बता रखा था मैंने। तो इसके क्वेश्चन आपके 2 देखने को मिलते हैं। कभी कभी होता है कि टाइम एंड डिस्टेंस नहीं आता, कभी कभी टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड वर्क नहीं आता, कभी कभी टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का तो आता ही आता है, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी आपके लिए 1 तो देखने को मिलता ही है। तो दोस्तों हमें उन टॉपिकों को करना चाहिए ज्यादातर जो हमें, और एक तो हम आपसे कहना ही भूल गए, सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, करीब इसके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आजकल। सिंप्लीफिकेशन कहीं भी नहीं जा रहा छोड़ के, हमेशा आता है सिंप्लीफिकेशन, 5, 5, 10, 15, 20 और 1, 20 और 2, 22। दोस्तों 22 क्वेश्चन तो यही आते हैं। तो देखिए दोस्तों ज्यादा टॉपिक हमें करने भी नहीं होते, वो इसमें आ जाता है। अब बचते हैं आपके लिए 2-3 नंबर्स का, मैक्सिमम 5 नंबर का कभी भी चेंज होता रहता है, जो होता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, इनसे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। कभी कभी हमारे लिए क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो हम बहुत कभी इग्नोर कर देते हैं, या कभी कभी हम बहुत उन्हें पढ़ते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन टपकता है, आता है बस। तो हम ऐसे टॉपिक को करना चाहिए जैसे डीआई हुआ, इनक्वालिटी हुआ और सिंप्लीफिकेशन हुआ, एवरेज हुआ, एजेस प्रॉब्लम, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वोट एंड स्ट्रीम, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए आप इतना ही काफ़ी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के लिए भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।